अब जो अगला टॉपिक है हमारे पास ट्रेस, ओके ट्रेस। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रेस क्या होता है? ओके सो ट्रेस, ट्रेस इज द अलजेब्रिक अलजेब्रिक सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके सो ट्रेस इज बेसिकली द अलजेब्रिक सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके सो ट्रेस, जैसे कि मेरे पास इफ आई हैव अ मैट्रिक्स ए, ओके मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस तरह से। मैट्रिक्स ए को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। ओके तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ओके तो अगर मैं ट्रेस ऑफ ए डिफाइन करूँ, ट्रेस ऑफ ए अगर मैं डिफाइन करूँ तो क्या होगा मेरे पास? ट्रेस ऑफ ए जो होगा मेरे पास वो होगा मेरे पास समेशन ऑफ आई ए आई। ओके तो इस तरह से आप एक ट्रेस को डिफाइन कर सकते हो, जहाँ पर आई आई क्या है? आई आई मतलब मैट्रिक्स में जब रो आपका कॉलम के कॉलम से रो आपका जो है वो कॉलम के इक्वल हो जाए तो उस एलिमेंट को हम ए आई आई कह रहे हैं। यानी ए आई आई क्या हमारे पास? एलिमेंट एलिमेंट एट आई एथ रो एंड आई एथ कॉलम एंड आई एथ कॉलम। ओके तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जो आई एथ रो है, जो रो है वो आई एथ है और कॉलम क्या है? आई एथ है। तो यहाँ पर रो बराबर हो गया कॉलम के। ओके तो यहाँ पर रो बराबर होना कॉलम का मतलब मैट्रिक्स के रो कॉलम का मैट्रिक्स का रो कॉलम के मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर नहीं हो रहा। बस यहाँ पर जो मतलब है वो है कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट जिस पोजिशन पर है उसका जो आई एथ रो है, उसका जो आई एथ रो है वो इक्वल हो गया उसके कॉलम के। ओके तो आई एथ रो और आई एथ कॉलम। ओके तो आई आई क्या है? एलिमेंट एट आई एथ रो एंड आई एथ कॉलम। ओके सो ट्रेस इज बेसिकली सम ऑफ ए आई आई। ओके सो ए आई ए क्या है? आई आई ए आई आई बेसिकली डायगोनल एलिमेंट्स है। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ एलिमेंट एट आई एथ रो और आई एथ कॉलम कब होता है? जब वो डायगोनल एलिमेंट पे हो। जैसे कि एग्जांपल लूँ, मेरे पास है ए बी सी डी। ओके तो ये इसका अगर मैं इसको देखूँ तो इसका रो कितना है? वन, और कॉलम कितना है? वन। इस पॉइंट इस पॉइंट का रो नंबर ऑफ रो कितना है? रो कितना है मेरे पास? वन, और कॉलम कितना है मेरे पास? टू। इसका टू वन और इसका टू टू। ओके तो अगर इसके पोजीशन को अगर मैं स्पेसिफाई करूँ तो यह है कॉलम नंबर वन, रो नंबर वन, कॉलम नंबर वन। और इसके पोजीशन को अगर मैं स्पेसिफाई करूँ तो रो नंबर वन, कॉलम नंबर टू, और इसका कॉलम नंबर टू, कॉलम नंबर वन, कॉलम नंबर नहीं, रो नंबर वन और कॉलम नंबर टू, और इसका रो नंबर वन, रो नंबर टू और कॉलम नंबर टू। ओके तो इस तरह से आप पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हो। अब जो हमारा जो कॉलम नंबर है और जो रो नंबर है वो इक्वल कब हो रहा है? ओनली एट डायगोनल एलिमेंट्स। ओके तो जो आपका रो नंबर होना चाहिए और कॉलम नंबर होना चाहिए वो जब इक्वल हो जाए उन एलिमेंट्स को हमें बेसिकली सम करना है, जिसे हम ट्रेस कह रहे हैं। ओके तो ये था एक ट्रेस, ट्रेस अ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस देख लेते, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। पहला है हमारे पास ट्रेस का प्रॉपर्टी, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ओके तो आपके पास एक मैट्रिक्स है ए प्लस बी। ओके अगर आप मैट्रिक्स ए को बी के साथ जोड़ते हो तो आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा ए प्लस बी। ओके तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए प्लस बी, अगर मैं उसका ट्रेस कैलकुलेट करूँ तो वो इक्वल होगा ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ओके तो आप चाहे मैट्रिक्स का इंडिविजुअल ट्रेस निकाल के जोड़ो या मैट्रिक्स को जोड़ के उसका ट्रेस निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका जो ट्रेस होगा दोनों ही मैट्रिक्स का ट्रेस सेम होगा। चाहे आप उसे ऐड करके ट्रेस निकाल लो या इंडिविजुअल ट्रेस निकाल के उसे ऐड कर रहे हो। इसे अगर प्रूफ करना चाहें तो कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ कर लेते हैं इसे। जैसे कि ट्रेस मैंने क्या डिफाइन किया, ट्रेस ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा मेरे पास? मैंने आई ए आई ये होगा ट्रेस। और ट्रेस ऑफ बी क्या होगा मेरे पास? ट्रेस ऑफ बी अगर मैं देखूँ तो प्रूफ होगा इसका आई बी आई आई। ओके
तो ये था मेरे पास ट्रेस। ओके अब मैं दोनों को ऐड करता हूँ, ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी। अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, आई ए आई आई प्लस समेसन आई बी आई आई। ओके मैं समेसन को कॉमन ले सकता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ए आई आई प्लस बी आई आई। ओके तो ये क्या है मेरे पास, ये बेसिकली क्या है, ये है एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी। ए आई आई प्लस बी आई आई क्या है, एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी, जिसका मतलब मैं कह सकता हूँ समेसन आई ए प्लस बी आई आई। ओके और ये क्या है मेरे पास, ये है बेसिकली ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, ट्रेस ऑफ ए प्लस। ओके तो यहाँ पर ये ए आई आई प्लस बी आई आई क्या है मेरे पास, ए प्लस बी मैट्रिक्स जो है मेरे पास, ए प्लस बी जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स हैं। ओके ए प्लस बी आई आई का एलिमेंट है, इसका मतलब ये क्या है, ये डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, मैं कह सकता हूँ कि ये जो क्या है मेरे पास, ट्रेस ए प्लस बी। तो इस तरह से आप इसे प्रूफ भी कर सकते हो। ओके इसे आपने कॉलेज लेवल पे प्रूफ भी किया होगा, यूज इन लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस। ओके तो इन चीज़ों में आपने प्रूफ किया होगा। तो पहला प्रूफ जो पहला प्रॉपर्टी है उसे आपको याद रखना, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या वो देखते हैं हम। अगर मैं सेकेंड प्रॉपर्टी देखूँ, सेकेंड प्रॉपर्टी एक बात ध्यान रखें, जो भी आप यहाँ पे जो प्रूफ कराया जा रहा है, प्रूफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्योंकि जो जेएम का जो पेपर होता है उसमें बेसिकली न्यूमेरिकल पूछा जाता है, आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो बहुत बढ़िया, लेकिन आपको प्रूफ भी ध्यान रखने होंगे, क्योंकि जो इंटरव्यू होता है आइजर्स वगैरह के उसमें बेसिकली थ्योरी से पूछी जाती है, न्यूमेरिकल बेस्ड बहुत कम जो इंटरव्यू होता है आइजर्स वगैरह में उसमें थ्योरी पूछी जाती है, इसीलिए आपको प्रूफ भी ध्यान रखना है, क्योंकि इंटरव्यू में मैटर करता है आइजर्स वगैरह के, उसमें जो भी जो इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली वो थ्योरी या प्रूफ पे ही बेस्ड होते हैं। ओके तो आपको प्रूफ भी ध्यान रखना है, इसीलिए मैं यहाँ पे प्रूफ करा रहा हूँ। ओके जो सेकेंड प्रूफ, जो सेकेंड है हमारे पास प्रॉपर्टी, वो क्या हमारे पास, ट्रेस ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी इंटू। ओके तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स से ए बी, ओके एक मैट्रिक्स से ए बी और उसका अगर आप ट्रेस कैलकुलेट करते हो, ये ए बी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सी रिप्रेजेंट कर रहा है, मैट्रिक्स ए है और बी है दोनों का प्रोडक्ट कर दिया तो नया मैट्रिक्स जो मिला वो ए बी है। ओके तो अगर आप एक मैट्रिक्स लेते हो जिसमें जो जो कि ए और बी का प्रोडक्ट है उसका ट्रेस कैलकुलेट करते हो, और एक मैट्रिक्स लेते हो जिसमें बी और ए का प्रोडक्ट है उसका ट्रेस कैलकुलेट करते हो, तो दोनों का ट्रेस क्या होगा, इक्वल होगा। ओके अब इसे प्रूफ कर लेते हैं हम। अगर मैं प्रूफ देखूं, प्रूफ तो प्रूफ क्या होगा, इसका प्रूफ होगा ट्रेस ऑफ ए बी क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए बी जो होगा बेसिकली होगा समेशन ऑफ आई ए बी आई आई। ओके तो ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई ए बी ए बी आई आई। ओके तो इस तरह से आप ट्रेस लिख सकते हो। अब आपको पता होगा एक डेफिनेशन लीनियर अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा, डेफिनेशन होती है ए बी, ए बी को आप कैसे लिख सकते हो, ए बी जो होता है हमारा, अगर मैं इसे आई मैं इसे आई जे कह देता हूँ, इसे मैं क्या कह देता हूँ, आई जे और नहीं जैसे कि मेरे पास एक एलिमेंट है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ए बी और आई जे अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखा जाता है, वो लिखा जाता है के इक्वल्स टू वन ए आई के बी के जे। ओके तो अगर आपको प्रोडक्ट लिखना है ए बी तो उसे आप लिखते हो समेसन के इक्वल्स टू वन टू जो भी आपका ऑर्डर है। ओके ए आई के इंटू बी के जे। ओके तो इस तरह से आप समेसन लिखते हो। ओके तो यही मैं रिजल्ट यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो ए बी जो कि प्रोडक्ट है ए और बी का, तो मैं लिख सकता हूँ ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल्स टू समेसन आई। ओके और ए बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी जो है वो मेरा आई आई है, यहाँ पर क्या था आई जे है, तो यहाँ पर जे की जगह मैं आई लिखूंगा, क्योंकि बेसिकली हम उन टर्म्स को कंसिडर कर रहे हैं जिसमें जिस जिन एलिमेंट के लिए जो रो नंबर है वो कॉलम नंबर के बराबर हो। ओके तो ये मैं लिखूंगा के इक्वल्स टू वन ए आई के बी, यहाँ पर आई जे की जगह आई है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा के आई। ओके तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इसे। ओके अब अगर मैं इसे रीअरेंज करूँ तो क्या मिलेगा मुझे ए आई के बी के आई,
या अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली अब ये हमारा मैट्रिक्स नहीं है बल्कि ये मेरा बेसिकली क्या है, एक एलिमेंट है, मैट्रिक्स का एलिमेंट है। ओके तो आप जैसे कि आपके पास ए आई के है, ए आई के मान लो 5 है और ए और बी के आई है आपके पास 3 है। ओके तो आप 5 into 3 लिखो या 3 into 5 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बेसिकली क्या एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है। तो आप 5 into 3 लिखो या 3 into 5 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, ए के इक्वल्स टू 1 आई इक्वल्स टू 1, इसे मैं लिख सकता हूँ बी के आई ए आई के। ओके तो ये क्या हो जाएगा, के इक्वल्स टू 1। और अब अगर मैं इसे देखूँ तो ये क्या है, बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ए बी के, मैं इसे लिख सकता हूँ बी ए, इसमें जो कॉमन एलिमेंट है आई, यहाँ पर अब आई। ओके तो ये हो जाएगा के। ओके बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। ओके तो ये बी आ गया। अब ये क्या था हमारा, बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्रेसेस, बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्रेस ये मैं कह सकता हूँ, ये क्या हमारे पास ट्रेस ऑफ बी ए। ओके तो इस तरह से मैंने प्रूफ कर दिया कि ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी है, बी ए है। ओके तो ये था हमारा एक प्रूफ। ओके अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो प्रॉपर्टी है हमारे पास थर्ड, ट्रेस ऑफ सी ए, ट्रेस ऑफ सी ए इक्वल्स टू सी ट्रेस ऑफ ए। ओके तो इसे आप प्रूफ कर सकते हो, कैसे प्रूफ करोगे, आपको बस डेफिनेशन यूज करना है। प्रूफ अगर मैं देखूँ तो प्रूफ ट्रेस सी ए इक्वल्स टू समेशन आई सी ए आई आई। ओके सी क्या है, यहाँ पर सी है बेसिकली कॉन्स्टेंट, यहाँ पे हमारा जो ए है वो मैट्रिक्स है और सी क्या है, सी है हमारे पास एक स्केलर है। ओके ये मैट्रिक्स नहीं है बल्कि कोई स्केलर है, इसे मैं अल्फा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, थोड़ा सही रहेगा। ओके तो अल्फा जो है बेसिकली क्या हमारे पास, एक अल्फा जो है हमारे पास स्केलर है, कोई मैट्रिक्स नहीं है। ओके तो मैं क्या कर सकता हूँ, अल्फा जो है बेसिकली कॉमन निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये क्या एलिमेंट आ गया मेरे पास ए आई आई, और ये क्या है बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्रेस अल्फा ट्रेस ऑफ ए। ओके तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो कि ट्रेस ऑफ अल्फा इंटू ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू ट्रेस ऑफ ए। ओके तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, इस तरह से आप प्रूव भी कर सकते हो इसे। अब जो अगला प्रॉपर्टी है वो देखते हैं, हमारे पास अगला प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, अगर मैं अगला प्रॉपर्टी देखूँ तो वो है मेरे पास अगला प्रॉपर्टी है मेरे पास फोर्थ वन, ट्रेस ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी सी डी ए इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ सी डी ए बी। ओके तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे एक बार और लिख सकते हो आप इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ डी ए बी सी। ओके तो ये ऑर्डर आपको मेंटेन करना है, जैसे ए बी सी डी। ओके तो आप ऑर्डर मेंटेन कर सकते हो बी सी डी ए, फिर उसके बाद सी डी ए डी ए बी, तो इसमें ऑर्डर जो है वो मेंटेन है, ए बी सी डी बी सी डी ए सी डी ए बी डी ए बी सी, तो ऑर्डर मेंटेन है, तो इस तरह से आप इसे याद भी रख सकते हो। तो ओके तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रेसिस के ऊपर, जिनसे जिन पे क्वेश्चंस आते हैं, जिसे और आपको इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है और इसे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। ओके अब अगला जो टॉपिक है वो देखते हैं, हमारे पास अगला जो टॉपिक है हमारे पास एक चीज़ और है जो ट्रेस में रह गई है, वो है हमारे पास फिफ्थ वन, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, इसे आप इजीली प्रूव कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके जो डेफिनेशन है प्रोडक्ट का और ट्रेस का उसे यूज करें और इसे आप प्रूव कर सकते हो। ओके तो एक बात ध्यान रखें, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसका आप ट्रांसपोज लेते हो तो उसके ट्रेस में कोई भी चेंज नहीं आता। ओके तो ये एक चीज थी। इसके बाद अगला जो है हमारे पास वो देखते हैं, हमारे पास अगला क्या है, अगला है हमारे पास ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट
ऑफ ए मैट्रिक्स। तो वो जैसे कि अगर मेरे पास ए है, कोई भी ए मैट्रिक्स है, मेरे पास ए मैट्रिक्स है जिसे मैंने बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट किया ए, और इसका मुझे बोला जा रहा है ए डैगर कैलकुलेट करो। ये जो सिंबल होता है इसे हम क्या कहते हैं, डैगर। क्या कहते हैं, डैगर। ओके, तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसका आप ए डैगर कैलकुलेट करते हो। ए डैगर यानी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ पर नाम से पता चला ट्रांसपोज लीजिए, फिर उसके बाद उसको कॉन्जुगेट करिए। तो जैसे कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज, तो उसका मतलब है सिंपली ए आई जे का ट्रांसपोज देन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ए ट्रांसपोज से इंडेसिस चेंज हो जाते हैं इसका। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम यहाँ से देख सकते हैं, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है उससे उस और बोला जाए कि उसका ट्रांसपोज ए डैगर कैलकुलेट कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उसे उसका ट्रांसपोज लेना है और उसके सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको उसका हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है। ओके, जैसे कि मेरे पास एक है मैट्रिक्स है मेरे पास आयोटा वन टू माइनस आयोटा। ओके, और मुझे बोला जाए इसका डैगर लीजिए, तो अगर डैगर अगर इसका पूछा जाए तो इसका मतलब होगा सबसे पहले आपको क्या करना है, ए ट्रांसपोज लेना है, फिर उसके बाद इसका स्टार करना है। तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूँ तो क्या होगा, रो को आप कॉलम से एक्सचेंज कर दीजिए और कॉलम रो को कॉलम से, कॉलम को रो से। ओके, तो ये जो रो है वो एक्सचेंज हो जाएगा कॉलम से आयोटा वन टू माइनस आयोटा। ओके, फिर इसका आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसी भी मैट्रिक्स का लेने का मतलब उसके सारे के सारे एलिमेंट का आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है। ओके, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, टू का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड वन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड माइनस आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपको पता होगा माइनस आयोटा, टू रियल नंबर है तो टू, वन भी रियल नंबर है तो वन, और माइनस आयोटा प्लस आयोटा। ओके, तो इस तरह से आप कह सकते हो कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कैसे लिया जा सकता, कैसे लिया जाता है। ओके, इसको हम यूज करेंगे ओके हर्मिशियन मैट्रिक्स देख जब हम पढ़ेंगे और एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स जब पढ़ेंगे। ओके, अब बात आती है एक स्पेशल तरह का मैट्रिक्स हमारे पास, क्या है वो देखते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है वो देखते हैं हम। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसका अगर आप ट्रांसपोज लो और वो इक्वल आ जाए ए के, तो उस केस में आपको होगा कि वो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, एग्जांपल आपके पास है वन 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 ले लेते हैं, माइनस टू थ्री थ्री आयोटा, आयोटा नहीं लेते हैं इसमें वन वन। ओके, अब इस ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए। ओके, अब मैं क्या करता हूँ इसका एक ट्रांसपोज लूँ, अगर मैं इसका ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करूँ तो मुझे मिलेगा ए माइनस टू थ्री माइनस टू वन वन थ्री वन वन। ओके, जो कि सेम है ए मैट्रिक्स के। इसका मतलब इस केस में हम कह सकते हैं कि जो ए ट्रांसपोज है हमारा वो इक्वल है किसके, ए के। इसका मतलब ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो इस तरह से आप कह सकते हो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। इसे आप सिंपली देख के भी कह सकते हो बिना कैलकुलेटिंग ए डैगर ए ट्रांसपोज। इसमें अगर हम देखें तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है, अगर यहाँ पर मैं एक मिरर रखूँ, जैसे कि हमें मिरर रखूँ, तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे नॉन डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स होंगे एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। जैसे माइनस टू है तो माइनस टू थ्री थ्री वन वन। ओके, तो अगर आप डायगोनल पे अगर एक मिरर प्लेस करें तो जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। तो इस तरह से आप देख के बता सकते हो कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। और दूसरा हमारे पास होता है वो होता है एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए। ओके, जैसे कि हम एग्जांपल लें, एक हमारे पास एक एग्जांपल है, अगर मैं देखूं ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, एक एग्जांपल है मेरे पास ए जीरो जीरो वन माइनस वन टू माइनस टू थ्री माइनस थ्री। ओके, तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, अब अगर मैं डायगोनल पे एक वो क्या प्लेस करूँ, एक मिरर प्लेस करूँ, तो जो एलिमेंट होंगे, जो एलिमेंट होंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेज तो होंगे विद नेगेटिव साइन। ओके, अगर एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखूं, तो अगर मैं डायगोनल पे एक मिरर प्लेस करता हूं, तो जो एलिमेंट होंगे एक दूसरे के मिरर इमेज तो होंगे लेकिन विद माइनस साइन। ओके, जैसे कि यहां पे मैं देख सकता हूं वन माइनस वन टू माइनस टू थ्री माइनस थ्री, तो इस तरह से मैं देख के बता सकता हूं कि कोई भी मैट्रिक्स एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। ये जो मेथड है यूजली हम 11th और 12th में पढ़ते भी हैं। ओके, तो आप लोगों को पता होगा ये मेथड। ओके, इसमें एक चीज नोट करने वाली है, पॉइंट टू बी नोटेड, वो ये है कि जो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पहले एंटी सिमेट्रिक की बात करते हैं, जो हमारा डायगोनल एलिमेंट होगा एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज जीरो, ओके, इन एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसमें जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो पक्का जीरो होना चाहिए, अगर जीरो नहीं है तो वो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। ओके, तो आपका जो ये वाला जो डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए वो एक इसेंशियल कंडीशन है, डायगोनल एलिमेंट आपको जीरो करने ही पड़ेंगे। ओके, तो अगर जीरो नहीं है तो वो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। ओके, और जो हमारा उसमें है क्या कहते हैं नोट, जबकि वहीं हमारा जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है डायगोनल एलिमेंट्स इन एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल। ओके, तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसमें जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वे नॉन जीरो हो सकते हैं, कुछ एलिमेंट जीरो भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एलिमेंट होने चाहिए वो रियल होने चाहिए। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो डायगोनल एलिमेंट एंटी सिमेट्रिक में जीरो होना चाहिए और डायगोनल एलिमेंट्स इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स शुड बी रियल। ओके, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो उस केस में हम कहेंगे कि ये जो हमारा मैट्रिक्स गिवन जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ओके, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं, हमारे पास अगला है हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स, वो देखते हैं हमारे पास क्या होता है। हर्मिशियन मैट्रिक्स ओके, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स जैसे कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ओके, और इसका अगर मैं ए डैगर कैलकुलेट करता हूँ वो ए के इक्वल आता है, तो उसे हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ वन टू थ्री। ओके, और यहाँ पर है मेरे पास क्या आयोटा वन, तो यहाँ पर जो होगा माइनस आयोटा वन थ्री थ्री। ओके, तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ओके, इसे मैं ए कह देता हूँ, इसका अगर मैं डैगर कैलकुलेट करूँ तो वो क्या होगा मेरे पास वन माइनस आयोटा टू
3 1 3 3 ओके, तो ये तो मैंने ट्रांसपोज ले लिया। अब उसका कॉन्जुगेट लेना है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो वो क्या होगा, 1 माइनस प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 2 3 1 3 3। तो ये मेरे पास अगर मैं देखूँ ए डैगर इक्वल्स टू आ रहा है किसके, ए के। ओके, इसका मतलब इफ ए डैगर इक्वल्स टू ए देन ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, ए क्या होगा आपका, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। ओके, अब हमारा जो है अगला जो मैट्रिक्स है वो है एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स, एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स। एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स डिस्कशन करने से पहले एक बात बता दें, हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होता है ना वो इन जनरल जो हमारे पास एक हमने जो बात की थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स यूजली एक रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है हमारा, एक रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स है। जब हम हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये जनरल मैट्रिक्स है जो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ओके, जब हर्मिशियन मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स होती है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। ओके, लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स रहती है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो स्पेशल केस है हर्मिशियन मैट्रिक्स का। ओके, क्योंकि अगर हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स अगर रियल है तो ए जो हमारा स्टार लगा रहा है, स्टार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ए स्टार इक्वल्स टू ए हो जाएगा, तो वहाँ पर स्टार यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर हमारे सारे एलिमेंट हर्मिशियन मैट्रिक्स में रियल है। ओके, तो इन जनरल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ एग्जाम्पल ऑफ हर्मिशियन रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, तो अब बात करते हैं एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स। एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स में ए डैगर इक्वल्स टू माइनस ए, ए डैगर इक्वल्स टू माइनस ए होता है। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मैं ज़ूम करता हूँ, मेरे पास एक मैट्रिक्स है 0 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 0 2। अगर इसका मैं एक डैगर कैलकुलेट करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं इसका डैगर कैलकुलेट करूँ तो माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 0 2 और माइनस 1 माइनस 2 0। ओके, और इसके बाद इसका कॉम्प्लेक्स लूँ तो मुझे मिलेगा 0 आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा 0 माइनस 2 1 2 0, जो कि इक्वल होगा किसके, इससे मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है ए डैगर इक्वल्स टू माइनस ए। ओके, ए डैगर इक्वल्स टू माइनस ए, ए डैगर इक्वल्स टू माइनस ए। जब ए डैगर इक्वल्स टू माइनस ए हो तो इसका मतलब जो भी आपका गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है, एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ओके, तो इस तरह से आप कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख के बता सकते हो कि आपको जो मैट्रिक्स है वो किस टाइप का मैट्रिक्स है। ओके, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स, एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स इज आर आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। ओके, तो और जो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है डायगोनल एलिमेंट्स इन हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। ओके, तो आपको ये दो पॉइंट ध्यान रखना है कि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स में वो हमेशा या तो जीरो होंगे या प्योरली इमेजिनरी होंगे। ओके, और जो आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसमें जो भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो रियल मैट्रिक्स होंगे। थैंक यू।